है, नीचे का देख रहा, ऊपर देख ले। अबे बोल कहां से रहा है पहले तू? अबे ढूंढ तो सही कहां से बोल रहा हूं मैं, मुझे ढूंढो मुझे ढूंढ। अबे कहां छुप गया भाई यार, रिव्यू देना यार, तू छुपा बैठा है पता नहीं कहां पे। लुक्का छुपी खेल रहा था यार तेरे साथ। लुक्का छुपी? हां रुक जा पहले अपनी जनता से तो मिल ले। सही बात बोला। हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम टू मायापुरी कट। तो गाइस आज हम जिस मूवी का रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं वो और कोई नहीं लुक्का छुपी है। भाई इसकी तो इंतजार ना मैं बहुत टाइम से कर रहा था इस मूवी की। भाई मतलब ट्रेलर देख के तो मुझे लगा था भाई ये मूवी बड़ी फ्लॉप जाने वाली है, कि मतलब कुछ नया नहीं कर रहे हैं कार्तिक आर्यन कृति सनन, ऐसे ही लग रहे हैं थकेले से, एकदम थकेली सी स्टोरी होगी, कार्तिक आर्यन का भी कुछ नया रोल नहीं है। लेकिन भाई साहब आज जब मैंने मूवी देख ली, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी जब से मैंने ट्रेलर देखा था। हालांकि जैसे इसने बताया कि मुझे ट्रेलर कुछ खास लगा नहीं, लेकिन जब आज मैंने मूवी देखी शायद ही एक मिनट से ज्यादा हुआ होगा जबकि मैं चुप बैठा हूँ, वरना मैं हंसे जा रहा था। मतलब पूरी पिक्चर में लोग ऐसा लग रहा है कि कोई स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है और लोग हा 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 हा, मतलब ऐसा लग रहा है कपिल शर्मा शो आप लोग देख रहे हैं वहां पे बैठा हुआ, हंसे जा रहे पागलों की तरह। मतलब कॉमेडी इतनी ज्यादा भरी हुई है मूवी में, कहीं भी आपको मूवी बोर होने का मौका ही नहीं देती। और जब जब पंकज त्रिपाठी आते हैं हाय हाय माशाल्लाह। अगर मैं आपको स्टारिंग की बात करूं तो इसके अंदर जो स्टारिंग कर रखी है पेयरिंग बहुत अच्छी यूज करी है कार्तिक आर्यन और कृति सनन की। इसके अलावा साइड कैरेक्टर के अंदर पंकज त्रिपाठी है, हमारे छोटे मियां जो छोटे से हैं वो भी हैं, उसके अलावा अपार शक्ति खुराना है, विनय पाठक जो भेजा फ्राई के हीरो हैं, इतनी बढ़िया एक्टिंग की उन्होंने इस मूवी में। और जहां तक की बात करें इस मूवी की स्टोरी की, हम तो ये बेसिकली मूवी की स्टोरी आपको थोड़ा कंफ्यूज सा करते हैं कि भैया हो क्या रहा है। जैसे कार्तिक आर्यन खुद भी मूवी में कंफ्यूज हो गए थे, उनके परिवार वाले भी कंफ्यूज हो गए कि भाई ये चल क्या रहा है। ये बेसिकली एक मॉडर्न डे लव स्टोरी है, स्मॉल टाउन रोमकॉम है, जो बेसिकली स्टार्ट होती है मथुरा के एक शहर में, जहां पे वो दोनों एक जर्नलिस्ट होते हैं। उसके बाद उनको प्यार हो जाता है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लिव इन में रहेंगे, लिव इन में रहकर एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे कि तू मेरे लिए कितना अच्छा है कितना नहीं। तो ये होता है, उसके बाद इस झमेले में उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है, और जब उनकी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तब उनके लग जाते हैं। ऐसी मूवी जिसके अंदर लिव इन में रह रहे होते हैं और ऐसा लिव इन जिसके अंदर पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, वाह। वो बंदा उस लड़की से शादी करना चाहता है लेकिन शादी नहीं कर पाता, चार बार ट्राई करता है लेकिन फिर भी लड़की से शादी नहीं कर पाता। मतलब यहाँ पे एक लौंडे को एक ही लड़की से चार बार शादी करने को मिल रहा है, वो मिल नहीं पा रहा। यहाँ पे एक भी लौंडिया नहीं है, हम तो कितनी बार शादियां करने को तैयार है, यहाँ तो लौंडिया नहीं मिल रही। लेकिन एक बात तुम्हें कहनी पड़ेगी भाई दिनेश विजन, आप कोई तो नया गाना लेके आते, मतलब कोई तो खुद से लिखा हुआ एक गाना। मतलब जब इतने बजट की भाई मूवी बना डाली, इतना खर्चा कर डाला, एक आधा खर्चा भाई गाने में भी कर लेते। पांच गाने मूवी के लेकिन पांचों के पांचों ही कॉपीड। चलो कॉपीड भी ठीक है, चलो बहुत सही करा, एक लॉन्ग लाइची था, एक ख्वाब का कॉपीड था, एक तुम्हारा फोटो का कॉपीड था। बट मुझे एक चीज का बहुत लगा कि जो अफलातून गाना था वो गाना कहीं मूवी में डाला ही नहीं है। वो डाला ही नहीं। बेसिकली आपको मूवी देखते हुए गाने की लगेगा कि मेरे को जरूरत भी नहीं, आप गाना भूल भी जाएंगे। जब वो गाना स्क्रीन पे था तभी पता लगता था हाँ ये तो गाना था इस मूवी में। भैया आज जब मैं गया थिएटर पे मैंने देखा यार पूरा थिएटर भरा हुआ है खचाखच लड़का लड़कियों से। अब वो आप कृति सनन की हॉटनेस के लिए कह लीजिए या फिर अपने कार्तिक आर्यन की चार्मिंग लुक्स के लिए। मतलब भैया एक तो लौंडा क्यूट इतना, ऊपर से सोनू के टीटू की स्वीटी के बाद तो लड़कियां उसकी अलग दीवानी। तो कृति सनन काम है क्या भाई? भाई क्या ही बताए, भाभी हो तेरी तेरी भी आप बता रहे हैं। तो उसके बाद जब क्या बताए, जब इतनी मतलब क्यूट जोड़ी है, इतने अडोरेबल लग रहे हैं वो लोग स्क्रीन पे और पब्लिक देख के उनको इतनी ज्यादा खुश, खासकर कि ये मूवी यंगस्टर्स को ज्यादा ही अच्छी लग रही है। लिव इन के ऊपर है तो आपको अपने पेरेंट्स को भी दिखाना चाहिए कि एक सोसाइटी के लिए ये मैसेज भी जाता है कि लिव इन में रहना कोई पाप नहीं है। जैसे ये यूपी वाले बजरंग दल वाले उठा के लड़का लड़कियों को पेलने शुरू कर देते ना, मुंह काला करा देते हैं यार। लास्ट टाइम मेरा हुआ था, बट ये आना नहीं चाहिए कैमरे पे। हां ये तुम्हारा लगता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस हो रखा है, कैमरे में कट कर देना। भाई तो वही मैं कह रहा हूं कि बस यूपी नहीं जाना डेट पे, कभी भी बंदी नहीं बुलाया ना भाई, नोएडा तो मैं नहीं जाता, मैं भी नहीं जाऊं। लेकिन मेरे को पता नहीं भाई एक बात है कहनी, कार्तिक आर्यन जी से मतलब तुम्हें निक नेम से इतना क्या ऑब्सेशन है भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आता। मतलब कभी अपना नाम गोगो रखते हो, कभी सोनू रखते हो, कभी गुड्डू रखते हो, अब नेक्स्ट वाले में पप्पू जी बन गए। मतलब भाई तुम्हारे कोई रियल नाम नहीं हो सकता क्या? मतलब जैसे नितेश, मोहित, यश कुछ भी हो, मतलब कुछ आपको कुछ निक नेम ही पसंद आते हैं आपको? क्या बहुत ऑब्सेशन है यार निक नेम से, निक नेम से बहुत है ना, गुड्डू पप्पू मैन आई लाइक इट या। पर बात अगर मैं डायरेक्शन की करूं तो बहुत ही खूबसूरती से ये पिक्चर को फिल्माया गया है, बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है, स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है इस मूवी का, बहुत मतलब एकदम लाजवाब स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कहीं भी मूवी ऐसा आपको लगता नहीं कि एग्जैजरेट कर रखी है, कुछ नहीं, लिमिटेड सीन्स, दो घंटे के अंदर अंदर ये पिक्चर को निपटा डाली और मजेदार एकदम एंटरटेनिंग। और कहीं पे ये नहीं लगा कि यार बेसलेस कॉमेडी होनी बहुत जरूर, मतलब बेसलेस कॉमेडी तो थी ही नहीं, हर चीज में हर सीन में परफेक्ट, मतलब टाइमिंग बहुत अच्छी थी। कार्तिक आर्यन इससे पहले भी दो तीन फिल्मों के अंदर कॉमेडी रोल कर चुके हैं लेकिन मेरे को पर्सनली इस मूवी में वो ज्यादा पसंद आया कॉमेडी करते हुए। अब मैं अगर बात ओवरऑल रेटिंग की करूं तो मैं इस मूवी को रेटिंग देना चाहूंगा 3 स्टार।
भाई तीन तो दे रहे हैं, लेकिन मैं पता है क्या कहना चाहूंगा, पंकज त्रिपाठी और जो छोटे मियां था उनकी जोड़ी भी बहुत कमाल की थी। तो पंकज त्रिपाठी तो एक पूरा है, लेकिन वो छोटे मियां जो है आधा स्टार तो उनका बनता जरूर है। तो चलो जैसा कि इन्होंने कहा, हालांकि इन दोनों ने बहुत बखूबी एक्टिंग करी है, तो इस मूवी को हम लोग देंगे 3.5 स्टार। डन, इतना तो देना बनता है इस मूवी को। और ये मूवी आप जाके अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी देख सकते हैं। कोई वल्गर कॉमेडी नहीं है, बट लॉट्स ऑफ ह्यूमर, हंसने को बहुत मिलेगा, हर एक लाइन में पंच है। तो गाइस ये था हमारा आज का ऑनेस्ट रिव्यू लुका छुपी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और लुका छुपी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।